बिहार के कटिहार जिले में वहाँ के जो बराली पुलिस थाना है वहाँ पे 4 दिसंबर को एक वारदात हुई थी, गैंग वॉर हुआ था। ये जो गैंग वॉर हुआ था वो मोहन ठाकुर और पिंटू यादव गैंग के बीच में हुआ था। उसमें 5 व्यक्ति की जाने गई थी। मर्डर का गुना रजिस्टर हुआ है वहाँ के जो बराली पुलिस स्टेशन है वहाँ पे। वहाँ की जो बिहार की एसटीएफ है इन आरोपियों को पकड़ने के लिए सूरत आई थी। सूरत में उसको वो जो 4 आरोपी छिपे थे वो लोकेट नहीं हो रहे थे। मेरे बाद पुलिस कमिश्नर साहब को मदद के लिए उन्हें गुहार लगाई थी। क्राइम ब्रांच को इन्वॉल्व किया था मेरे बाद पुलिस कमिश्नर साहब ने। पीएसए पटिया और उसकी टीम को हमने एसटीएफ के साथ लगाया था इन 4 आरोपियों को पकड़ने के लिए। ह्यूमन इंटेलिजेंस और टेक्निकल सर्वेलेंस के आधार पर ये लोग लोकेट हुए। पीएसए पटिया और उसकी टीम और एसटीएफ बिहार की टीम ने दोनों ने संयुक्त ऑपरेशन करके बड़ोदरा में देवद चेकपोस्ट के पास से 4 बदमाशों को पकड़ लिया है। इन 4 बदमाश है उसके नाम है सुमन कुमार भूमिया, धीरज सिंह, अमन तिवारी और अभिषेक राय। ये 4 जो आरोपी है वो गैंग वॉर में ये मर्डर में एक्टिव रोल थे। पूरे घटना की हकीकत ये है के मोहना ठाकुर गैंग और पिंटू यादव गैंग ये दोनों गैंग के बीच में वर्चस्व की लड़ाई चल रही थी और अवार नवार दोनों के बीच में झड़प भी हुई थी और उसके जो गुने हैं वो भी दर्ज हुए हैं वहाँ बिहार में। भवानीपुर गांव में तारीख 8 दिसंबर को दोनों गैंग आमने सामने आ गई थी। गंगा नदी की जो फर्टाइल लैंड है उसके ऊपर कब्जा करने के लिए दोनों के बीच में गैंग वॉर हुआ था। उसमें पिंटू यादव जो उसका मुख्य सूत्रधार है पिंटू यादव गैंग का वो और अन्य 4 आरोपी वहाँ उसकी डेथ हो जाती है। टोटल संगीन मामला था, 5 आरोपी की डेथ थी और गैंग वॉर का मामला था, आर्म्स का यूज हुआ था। इन सब चीज़ों को लेके बिहार एसटीएफ सतर्क थी। सूरत पुलिस की उन्होंने मदद के लिए गुहार लगाई थी। 4 बदमाशों को अरेस्ट कर लिया गया है, नंदा कोर्ट में पेशी की गई है और 9 तारीख तक का उसका ट्रांजिट रिमांड मिला है और एसटीएफ बिहार को 4 आरोपियों को हैंडओवर कर दिया गया। आवाज अवनवा वीडियोस माटे अब तक नी चैनल ने सब्सक्राइब, लाइक अने शेयर करता ना भूलशो। आज रीते जोड़ेला रहो अब तक साथे।